हेलो एंड वेलकम टू फॉलो। और आज हमारे साथ है शैल हदब। फैंटास्टिक हैव यू ऑन फॉलो एंड वी हैव बीन हियरिंग योर सॉन्ग्स। बहुत खूबसूरत कुछ गाने गाए हैं आपने। कुछ गाए लेकिन बहुत खूबसूरत हैं। कम गाने गाए लेकिन बहुत अच्छे गाए। जो मेरे को अच्छे लगे वो मैंने इंटरप्रेट किया, आपको अच्छे लगे तो थैंक यू फॉर दैट। काफ़ी मेरे को गाने कम ही गाता हूँ मैं, जितना समथिंग कि थोड़ा कम करो लेकिन अच्छा करो जितना हो सके। यू नो दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ लिविंग इन बॉलीवुड, बिकॉज हियर पीपल बिलीव इन आउटडूइंग ईच अदर एंड यू नो एक गाना हिट तो लाइक आई मीन देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स जिनका एक गाना हिट तो फराफर धराधर बहुत सारे गाने आ रहे हैं आजकल। आपका पहला गाना सावरिया टाइटल ट्रैक वेंट ऑन टू बिकम अ रेज। या इट वाज दैट सॉन्ग वाज मोस्टली डाउनलोडेड इन वन वीक। आई थिंक 50,000 डाउनलोडेड इन अ डे और समथिंग दैट क्रिएटेड अ रिकॉर्ड। बट माय थिंग वाज ऑलवेज लाइक इट्स लर्निंग बिकॉज देयर इज समवेयर सम टीचर इज ऑल्सो देयर एंड स्टूडेंट इज ऑल्सो देयर। देयर इज वन दैट फाइट इन विद इन माई सेल्फ की कुछ अलग करना कुछ, बिकॉज लॉट ऑफ मोनोटनी इज देयर इन फिल्म इंडस्ट्री। आई कैन डू द सेम सॉन्ग रिपीटेडली वन आफ्टर अदर। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ अलग करूँ, जो मुझे अच्छा लगे ना वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे जानते हैं, मुझे डायरेक्टर जो लोग हैं अप्रोच करते हैं तो उनको पता है कि शैलाड़ा विल कम एंड टेक इट टू अनदर लेवल बी इन बॉलीवुड और इन टॉलीवुड। लाइक फॉर हैरी जेरा सर व्हेन ही कॉल्स मी ही नोज दैट कि शैलाड़ा विल डू समथिंग different to my song and which is a good reputation to have. Yeah, that's my effort, that's what I keep my, give my best. Like yesterday two days ago Sukhvinder Singh ji, yeah. he told me that are bhai Shail tumne to itne kam gaaye, maine to sirf 215 gaane gaaye Sukhvinder ji ne, only 215 gaane gaaye unhone. He was singing one of our movie song. But he's actually also some 214 song over his last few 20 years is also pretty less in comparison to what others are. बिकॉज क्या होता है ना कि यू नो योर केपेबिलिटी, की यू कॉन्ट बी मोनोटोनस वन एट बिकॉज रिपीटेडली द सेम थिंग सेम फ्रेजिंग सेम चीज 12 नोट्स 12 सुर हैं तो 12 सुर में यू ऑल्सो गेट शोज करते हैं आप इतना सब कर। तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा दिखोगे तो ज़्यादा खर्च होगे, कम दिखोगे ज़्यादा बिकोगे। अभी मेरा उल्टा हो गया, जबकि पहले क्या होता था ज़्यादा दिखोगे ज़्यादा बिकोगे। अभी मैं इसको इंटरप्रेट अलग तरीके से करता हूँ कि कम दिखोगे ज़्यादा चलोगे, बिकॉज हर चीज़ की बहुत शॉर्ट स्पैन हो गया। हम लोग इतने ज़्यादा कंटेंट है चीज़ों से, इतने ज़्यादा भरे हैं म्यूज़िक हो, कोई भी चीज़ सुनो, किसी को भी सुनना हो तो 50,000 चीज़ें अवेलेबल हैं। तो समवेयर सम वो जो एक अर्ज रहती थी ना कि कुछ अलग चीज़ ढूंढूं या सुनूं या कुछ करूं, उस वजह से हम लोग खर्च जल्दी हो जाते हैं। माइनस आराम से जो आ गया ठीक है, जो नहीं आया तो बहुत अच्छा। लेकिन अक्सर ऐसा जो होता है कि आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। बहुत दो साल नहीं सुने तो आदमी गायब भी हो गया। पीपल हैव गॉन ऑन टू मूव ऑन टू मूव्ड ऑन टू अदर सिंगर्स। ऐसा भी होता है, डेंजर द डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन डिस्पाइट अ वेरी गुड पीस ऑफ वर्क इज आल्सो देयर। माय सिंपल फिलॉसफी इज ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, सिंपल इज दैट। तो सिंपल इज दैट, आई डोंट बॉदर अबाउट वर्ल्ड। आई थिंक आई डू वॉट माई हार्ट टेल्स मी टू डू बिकॉज वी ऑल से अपना जो लिटरेचर है जो चीज़ पढ़ी है उस हिसाब से हमारे अंदर ही गॉड है, हमारे अंदर ही भगवान है सब है। तो माय सर्च इज नॉट आउटसाइड, माय सर्च इज विद इन टू इम्प्रूव माय सेल्फ एज एन ह्यूमन बीइंग एंड म्यूजिक इज द मीडियम फॉर मी टू रीच टू दैट गॉड समवे ऑर द अदर। दैट कम्स इनटू माय पर्सनालिटी ऑल्सो, नॉट बीइंग सोशलाइज। आई एम ट्राइंग हार्ड बट लेट्स सी। मूविंग ऑन फ्रॉम योर फर्स्ट सॉन्ग एंड द फैक्ट दैट यू आर सीन सो लेस, योर नेक्स्ट लार्जर हिट्स बिगर हिट्स came in Guzarish. Yeah. That also is Sanjay Leela Bhansali film, and this time Sanjay Leela Bhansali was composing the music and you were also assisting him in that. Yeah. When he started before doing the music, he called me ki you are with Monty, are you doing something? I said, no, I want, because my thing is when I'm doing something I'm doing with full heart, not with ki kar lenge shauk ke taur pe nahi karenge. And with when Sanjay Leela Bhansali calls you, that means you have that kind of talent that is accepting your talent and encouraging that part. And he has seen me during black ki kya hota tha kya nahi hota tha, how used to sing that mausam ki adla badli mein gana, which is one of the toughest composed song. Agar pichle 20 saal 25 saal mein aap dekhenge composition wise uske jo chord combination jo Monty bhai ne banaya bahut tough hai, wo gana bahut mushkil hai, aur maine suna aur on the spot hi ga diya tha. So that why he was very impressed ki koi itni jaldi gaata hai. And at that time I started teaching every jo bhi singer aate the जितने भी इंडस्ट्री के सिंगर थे तो साथ में सिखाना। तो आफ्टर मॉन्टी बेज आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग
आई जस्ट मैंने कहा मॉन्टी भाई के साथ भी हो गया, काफ़ी हो गया, सांवर हो गया, आई वॉज बिजी विथ लॉट ऑफ पीपल वॉर ज्वाइनिंग हिम. मैंने आई वॉन्ट माई ओन स्पेस, आई वॉन्ट लाइक माई ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग. ठीक है ना, आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई वॉज सिटिंग. देन संजय सर कॉल मी की कम एंड मीट मी. तो मैंने कहा ओके. तो ही टोल मी की वॉट आई डू. मैंने कहा आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट इन माई लाइफ. मैं म्यूजिक करूँगा, यू विल ज्वाइन मी. मैंने कहा आई विल ज्वाइन यू. When he said that he would do the music, what was the first reaction that you had? Because humne jab sona tha, suna tha, I mean, obviously we knew that this guy is tremendously, you know, potential kamal ka. He has been a choreographer, he directs, he edits, but that he could compose music was something that we had not understood till then, and then obviously he did it. But what was your first reaction? My reaction was ki he can do music. He can do music. The thing is, he's got a brilliant brain and he's so focused. And when you are focused, like what we have learned from Mahabharata, na Arjun ko target focus nazar aata tha ki ek uski aankh nazar aati thi. He's so focused, unko aaju baaju kuch nahi, aas paas mein kuch bhi nahi dikhta. He's so focused in his life. So whatever he wants to achieve, he will achieve, that's for sure. So I've learned and I made him my teacher because of that only one quality, that he's so focused. And you should learn discipline and focus from him. Two things from him. I was sure that he will do music. Interesting. And then you sang those songs. You also assisted him in that. And then you... Till Bajirao Mastani. Exactly. Yeah. Till Bajirao Mastani. That's quite an association to have with someone. Yeah. My thing was association. My is from heart. I don't follow what... parameters. It's not... For me, it's not like share market. It's from my jazbat. My emotion. I just follow my heart. So dual core single process is my heart. कंप्यूटर का लिखा ना. आई थॉट यू वर अ म्यूजिक टीचर, नॉट अ कंप्यूटर साइंस टीचर. नो, आई एम वेरी मच टेक सेवी बिकॉज ऑफ माई प्रोग्रामिंग ना. नो बडी टॉट मी अरेंजमेंट एनीथिंग, जस्ट शेयर माई बिकॉज ऑफ माई ईयर एंड माई म्यूजिकल ट्रेनिंग एंड वॉट एवर. आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन म्यूजिक एंड गोल्ड मेडलिस्ट फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी. तो दैट हेल्प्स मी अ लॉट. माई एजुकेशन हेल्प मी अ लॉट. आई वॉन्टेड टू डू माई आई आई टी एंड ऑल दोज काइंड ऑफ स्टफ, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स आई कुडंट डू बिकॉज सम एक्सीडेंट हैपेंड इन माई लाइफ. तो आई came to music. I came to Mumbai. Then I joined the Department of Music, Mumbai University. Then I completed my BA, MA in music. Simultaneously, I was working in a school also as a teacher. You worked in a school for, that's something that is not known to a lot of people. You worked in a school for 5 years. You taught music to students before you got into the Bollywood mold. I was teaching not in a school. I was... In college also, I was for Poddar College, Mithibai College. I was given this ke meko bulaya jata tha ki direct karne ke liye group song. To mera gana jo represent hota tha wo national level pe jaake represent hota tha. I was director of Mumbai University also, Poddar College, Mithibai College. I have directed these colleges and university also. Okay, do you miss being a teacher now? Yes, that's why I became music director na. I will teach. Now you'll be teaching. Which is what now, which is actually something that's coming up, the next step, because from what we've seen throughout, music direction seems to be your focus all through. I will not call it a focus. It was not my plan, but it was there ki how to main apne aap ko kaise main pesh karun, kaise apni abhivyakt kar sakun, ya how to kaise logon ke samne प्रस्तुति करूँ या अपने आप को पेश करूँ. बिकॉज आई एम फ्रॉम क्लासिकल फील्ड है, तो क्लासिकल बड़ा ख्याल छोटा ख्याल, देर इज लॉट ऑफ परफॉर्मेंस. तो देर वॉज नॉट परफॉर्मेंस हैपनिंग. तो समवे और दी अदर वाइल असिस्टिंग मॉन्टी बाई विद सच अ ग्रेट अरेंजर ही इज, तो आई लर्न केम टू नो द डिफरेंट रेंज ऑफ द म्यूजिकल पार्ट. द अरेंजमेंट पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज इन फॉर अ सॉन्ग कंपोजिंग विल हैपन, म्यूजिक डायरेक्शन इज ईजी, बट टू अरेंज अ सॉन्ग इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एन अरेंजर. तो आई केम टू नो इन होल पूरे गाने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अरेंजमेंट. तो मैंने साथ लिया कि मैंने कहा इस चीज़ को अरेंजमेंट को पकड़ सीखना है आप कैसे भी करके. तो फिर मॉन्टी भाई को सीखते सीखते उनके साथ बैठते बैठते उठते बैठते कैसे 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 अरेंजमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट की क्या रेंज होती है, चेलो का क्या होता है, डबल बेस का कितना होता है, वायलिन का क्या होता है, वियोला का क्या होता है, तो सेक्शन क्या होता है, वुडविंड सेक्शन क्या है, टूटी सेक्शन क्या है, तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ट्रम्पेट सेक्शन, ब्रास सेक्शन, तो सब चीज़ें सीखने को मिली. वेस्टर्न जो म्यूजिशियन का जो म्यूजिशियनशिप होती है वो सीखने को मिली कि जैज क्या है, ब्लूज़ क्या है, सब चीज़ें सुनने को मिली. तो कान से वो मेरा ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो गया. वो सीखने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, एंड कंपोजिंग वॉज नेवर
डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, बिकॉज ईच एंड एवरी सिंगर इज अ कंपोजर हिमसेल्फ. कहीं ना कहीं उसके अंदर कंपोजिंग, वो एक संगीत संयोजन कंपोजर रहता है उसके अंदर, कि मैं कुछ कंपोज कर सकूँ, उस चीज़ को अरेंज कर सकूँ. तो दैट केम आउट धीरे धीरे करते करते. वी डिड कैरी ऑन मराठा विथ माई पार्टनर. फॉर द न्यू एस्पायरिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स, जब वो आना चाहते हैं, डू यू थिंक दैट इट इज एडवाइजेबल दैट दे ऑल्सो लर्न अरेंजिंग? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल ऑफकोर्स फॉलो यू एंड एवरी वन एल्स, लॉट ऑफ एस्पायरिंग पीपल ऑल्सो फॉलो एंड दे वॉन्ट टू नो हाउ यू गाइज मेक इट, हाउ यू गाइज कंपोज एंड वॉट आर द इंट्रीकेसेस दैट गो इनटू इट. डू यू थिंक इट इज एडवाइजेबल फॉर पीपल टू एक्चुअली ऑल्सो लर्न अरेंजिंग? नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. तो फॉलो जो आपका जो ये चैनल का है, फॉलो योर हार्ट एंड फॉलो योर लर्निंग, देन यू कैन बिकम अ गुड अरेंजर ऑल्सो. अरेंजमेंट इज़ वॉट, एक एक गाने को सजा के जो अरेंजर का काम है, सबसे बड़ा काम है. कंपोजर का भी काम इतना बड़ा नहीं जितना अरेंजर का काम होता है. एंड दे आर सबसे ज़्यादा कम पब्लिसिटी और सबसे ज़्यादा पी आर ओ, सबसे ज़्यादा बेचारों को नेगलेक्ट किया जाता है. अब जाके थोड़ा सा जीमा वगैरह भी होने लगे हैं, अवार्ड फंक्शन होने लगे हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत उनको प्रोत्साहन, उनको रिकग्निशन मिल रही है. अदरवाइज पुराने टाइम में तो बिल्कुल नहीं था अरेंजर्स को इतना वैल्यू. अभी मिलता है ना? अभी मिलने लगा है. So for all you guys who actually want to get into the music field and you want to become music directors, composers, there's an important tip here, because arranging is important. And pehle shayad credit nahi milta tha, lekin things are changing and you should actually know what and how things are going to be. The best part is most of the arrangers are now composers only. Actually, lot of people actually are getting into. But just for breaking in on follow, Shailada is turning composer with Sarabjit, which stars Aishwarya Rai. And Umang Kumar is editing it and he is composing the music. He breaks it on follow. Just be composing music, will you be singing and what are the songs that we should be expecting this year? Surprise hoga ki main mere ek mere khayal se ek chhavi ban gayi hai meri. Ek logo ne ki bada introvert hai, ek style ke gaane hai, pata nahi, I don't know. Mere ko aisa lagta hai ki ek alag tarah ka meri ek pehchan ban chuki hai. But logo ko ye maloom hai ki bahut sensible, bahut kuch alag kuch hatke karte hain. चाहे वो साउथ का गाना हो, चाहे यहाँ पे मराठी फिल्म के गाने हो, या कुछ हो, कुछ मैं अलग करने की कोशिश करता हूँ. तो इसमें इस बार भी चाहे सरबजीत का म्यूज़िक हो या जो भी हम फिल्में कर रहे हैं, जो भी हमने किया, बहुत अलग ही होगा. जो भी होगा अलग कुछ करना. एंड मेरा चीज़ है कि हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक को मैं कोशिश कर सकता हूँ. आई एम नॉट ए बिग ऐसा कुछ, कोई आइकॉन जैसा कुछ नहीं हो, लेकिन मैं म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक से मुझे बहुत लगाव है. वो चीज़ हमारी बाहर के लोग सुने, ना कि उनकी चीज़ हम लोग करें जिसका कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे हमारे यहाँ पे. अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑल्सो आर डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ म्यूजिक व्हेन दे से कि यही बिक रहा है. सो यू बिलीव इन ब्रेकिंग दैट रट? अब देखिए, मुझे भी करना पड़ेगा. देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. जो है कि जो हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी हमारी पहचान रहेगी कि हाँ, मेन चीज़ इज व्हाट इज हैपनिंग ना, कि सॉन्ग्स याद नहीं होते. याद इसलिए नहीं होते कि कंपोजिशन वाइज वो गाने लायक गाने नहीं बनते. वो प्रेजेंटेशन वाइज होते हैं, या फिर डांस में चले गए, या फिर दो तीन दिन के लिए रहे चले गए, याद नहीं रहते, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है. क्यों है वो, मैं उस चीज़ की सर्च में ये हूँ कि लिरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंपोजिशन वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसा फ्रेजिंग नहीं रहना चाहिए अरेंजमेंट वाइज कि गाना याद रहे. गाना याद तभी रहेगा जब उसके अंदर म्यूजिकलिटी इतने हाई लेवल पर रहेगी जिससे लोग याद कर सकें उसको. इट शुड बी सिंपल. अब मुझसे पूछेंगे मेरे फेवरेट सिंगर, मैं जिसको भगवान की बात बोलता हूँ, आंद्रे बुचैली, जिनसे यहाँ के लोगों को कम मालूम है, लेकिन इज़ अ टैनर, बेसिकली टैनर, बट लुक अंधे हैं वो, गाते हैं तो मुझे लगता है भगवान की आवाज़ ऐसी होगी, मतलब ट्रांस में चले जाता हूँ मैं, तो मैं खो जाता हूँ. मेरी जो साधना है, मैं जो रियाज करते हैं हम सुबह उठ के, उस साधना में बोलती यार ये आवाज़ ऐसी आवाज़ होनी चाहिए थी. ओके, तो आपके गानों में आपका फेवरेट कौन, बिकॉज कुछ जितने गाए हैं आपने, आपके गानों में आपका फेवरेट, इंक्लूडिंग एनी सॉन्ग दैट यू हैव सांग, इंक्लूडिंग द तमिल और इंक्लूडिंग द वंस दैट यू हैव सांग. सबसे ज्यादा पसंद आया था मेरा गाना, मुझे रेंडर्ड, मेरा सांवरिया तो मेरा पहला प्यार रह गया, पहला प्यार कोई नहीं भूलता, पर जो मुझे बेस्ट रेंडर्ड था, वो मुझे लगता था कहना सकूं मैं इतना प्यार, जो गुजारिश में था, जो शूट नहीं हुआ, इसका मुझे बहुत दुख हुआ. मुझे लगता है मेरा बेस्ट रेंडर्ड सॉन्ग था वो. कैन वी हैव अ विजुअल टू इट नाउ, कंसीडरिंग इट वाज नॉट शॉर्ट, कैन वी हैव यू सिंगिंग इट? कह ना सकूं मैं इतना प्यार, कह ना सकूं मैं इतना प्यार, अरे सह ना सकूं मैं, सह ना सकूं मैं इतना प्यार, कह ना सकूं मैं इतना प्यार
It's a beautiful song, actually, you know. Moving out of music, what apart from music is Sher Hara up to? I'm a family guy. I love to play with my daughter, Davina Hara. I spend time with my family. I love to do exercise. Health. I'm very health conscious. I was not well for 4 or 5 years, so subconsciously I'm very health conscious from my childhood. I used to play badminton, used to run a lot. Yeah. Too much. I'm very sport savvy. मैं बहुत खेलना कूदना बहुत पसंद करता हूँ. मस्ती मजाक मुझे बहुत पसंद है. लोगों को नहीं मालूम ये बात. लोगों को मेरे को देख के लगता है बहुत सीरियस होंगे. बैडमिंटन जब भी कोई बोलता है मुझे हमेशा एक ही गाना है, ढल गया टुक हो गई शाम टुक. बड़ा याद आता है मुझे गाना जब भी बैडमिंटन में, हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ. ओके, फाइनली एज वी लीव यू, वी वॉन्ट यू टू गिव अ मैसेज टू योर फैंस ऑन फॉलो, something that you want to tell them, anything that The first thing मैं सबको बोलना चाहूँगा कि हमें प्राउड होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में जन्म लिया हम लोगों ने. हमें अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करना चाहिए. अपने कल्चर को ध्यान में रखना चाहिए. आप करिए, दुनिया में जो करना है आप सब करिए, लेकिन क्या है, हमारे जो रगों में हमारा DNA जो हिंदुस्तानी है उसको आगे लेके जाना चाहिए. और हमारे संगीत को भी ध्यान में रखो, हमारे क्लासिकल म्यूजिक की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए. बी इंडियन बाय इंडियन. स्वदेशी जिंदाबाद. थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली इनवाइटिंग अस टू योर होम, हिज होम दैट वी आर टॉकिंग टू इट. थैंक्स फॉर बीइंग ऑन फॉलो.